नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN 9 न्यूज़। समय को देखते हुए तमाम सियासी दल अपनी राजनीति छोड़कर लोगों तक मदद पहुंचाने में लगे हुए हैं। वहीं इन नेताओं में कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि प्रियंका गांधी ने कोरोना संकट के बीच PM मोदी और UP के CM योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला करने से परहेज किया है, लेकिन कई मौके पर वो सरकार को घेरती हुई नजर जरूर आई हैं। कुछ समय पहले उन्होंने ट्वीट करके मोदी सरकार और योगी सरकार पर इशारों इशारों में यह कहकर हमला किया था कि प्रजा करे हाहाकार, जागो है सरकार। वहीं अब प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश लोगों की मदद के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जमीन पर तैनात किया है। सूबे के कई शहरों में साझी रसोई स्थापित कराई है ताकि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले इस समय खाना मिल सके। प्रियंका ने कांग्रेस फाइट्स कोरोना नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसमें उन्होंने यूपी संगठन के करीब 200 लोगों को जोड़ा है। इसी ग्रुप के जरिए प्रियंका पार्टी की पूरी गतिविधियों पर नजर रख रही है और कोरोना संकट में लोगों की मदद के लिए निर्देशित करती है। फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर प्रियंका लोगों को जागरूक करती रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले साबुन से अपने हाथ धोते हुए एक वीडियो अपलोड करके कहा था कि कैसे छोटी छोटी सावधानियां कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को लड़ेंगी। इस तरह से अगर सभी राजनीतिक दल लोगों को मदद पहुंचाने और जागरूक करने का काम करें तो कोरोना को हराना बहुत मुश्किल काम नहीं है। धन्यवाद।